तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारी चैनल LDR गेमर में। आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। गाइज देखो, जैसा कि आपको पता था, हमने एक स्टैंडर्ड सर्वर को जंप किया था और उस सर्वर में हमने काफ़ी सारी लूट भी की थी, बहुत सारे काम किए थे और उस पर हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 4 भी बना लिया था। अभी ये अपना पार्ट है, वो 5 है। देखो, हमने काफ़ी सारे बेस रेड किए और काफ़ी सर्वर को सर्वाइव कर लिया था। अभी हमारे सामने ओनली फॉर एक लीजन है, बहुत बड़ा बेस है लीजन का, पूरे वो एक बेस है और एक हमारा बेस है, दो ही बेस रहे हैं। और अभी इस बेस को रेड कर लिया हमने एकदम सक्सेसफुल, तो इस रोर में हमारे सामने कोई भिड़ने वाला कोई नहीं है। बाद में बैच ड्रॉप से हमारा कोई भी एक बंदा जाकर बैच ला सकता है। अभी हम लोग ड्रैगन अली है उसको लेकर के जा रहे हैं उनके बेस पे। उनका बेस ज़्यादा दूर नहीं है, अपना रॉकेट बेस है उसके पास में है जस्ट, और काफ़ी बड़ा बेस है, उनमें काफ़ी बंदे ऑनलाइन रहते हैं। अभी हमने देखा ऑफलाइन है सारे बंदे, तो हम रेड करने आए हैं। देखो, क्योंकि ऑनलाइन रेड सक्सेसफुल नहीं है, इसका कारण यह है कि हमारे पास कोई अच्छे टीममेट्स भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके बेस पे इतनी सारी ऑटोकनॉन लगी है, क्या बताऊँ। ऑटोकनॉन एंड जो करंट बनाने वाली मशीन होती है वो सब एकदम फुल बेस सिक्योर है। देख लो, यही बेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह बेस है, देख लो। और इसके अंदर इतनी सारी ऑटोकनॉन लगी है, क्या बताऊँ, फुल बेस ऑटोकनॉन से भरा पड़ा है। मैंने इसको पूरा एकदम देखा है, इसके अंदर कम से कम 50 से 60 ऑटोकनॉन लगी है, तो उसको ऑनलाइन रेड करना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और एक हमारे बंदे ने गलती कर दी कि हमको क्या करना था, हमको सारी की सारी रॉकेट सेल बनानी थी, लेकिन हम लोग ऑफलाइन थे तो हमारे एक टीममेट से उसने सारे के सारे सीपर बना दिए। इतनी सारी ऑटोकनॉन लगी है कि अभी सारे के सारे सीपर तो वहाँ पर लगा करके ऑटोकनॉन थोड़ी तोड़ जाती है। अगर रॉकेट सेल होता तो उससे आसानी से हम तोड़ देते। देखो, अभी हमने रेड करने के लिए रेड बेस बना लिया है और यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत लूट भी रख दी है और सारे के बंदों के बैग लगा दिए एक एक तो दो। देखो, मैंने यहाँ पर अपनी लूट रख करके मैं बेस को थोड़ा देखने गया था कि कहाँ से रेड करे और कैसे रेड करे तो अच्छा होगा। वही मैं देख के आ गया हूँ और हमारे टीममेट्स है वो भी वहाँ पर पूरा देख रहे हैं बेस को कि कहाँ से रेड करे तो अच्छा होगा, हमारे कम बॉम्ब में ही रेड हो जाएगा। ऐसा पूरा सभी डिसीजन लेके बाद में ही राइड करना स्टार्ट करेंगे। चलो, ये हमारा बंदा, ये एक बंदा हमारा बेस बना रहा है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अपना, जहाँ पर राइड कर रहे हैं। अभी हम लोग 5-6 लोग हैं ऑनलाइन है। ये देखो, ये वाला बेस है और हमारा एक बंदा अंदर भी गया है, पर अंदर ऑटोकॉन लगी है तो वो बार बार मर रहा है बेचारा। अभी हमको क्या करना है, देखो सामने वाली जो ऑटोकॉन दिख रही है, हमने सोचा कि यहाँ से रेड करेंगे तो सामने वाले ऑटोकॉन ने इसकी पूरी की पूरी एमओ ख़त्म करनी है। सबसे बड़ी बात, हमको सारी जितनी भी सामने जो ऑटोकॉन आ रही है उन सबकी एमओ ख़त्म करनी है। अगर देखो, हम ऑटोकॉन को तोड़ने जाएंगे, बॉम्ब लेके जाएंगे, ऑटोकॉन ने हमको मार दिया तो हमारा पूरा लॉस हो सकता है। हमारे पास वैसे भी बहुत कम बॉम्ब है क्योंकि सर्वर में हमने जंप किया था और हमने बहुत सारी गलतियाँ की, उसी वजह से हमारे कितने 120 सीपर है वो उनका लॉस हो गया पूरा, हमारे बंदे ने ही पूरे गवा दिए। चलो, अभी जो ऑटोकनॉन है उन सबकी एमओ पूरी करना ख़त्म करते हैं। देखो, हमारे टीममेट्स है वो ऑलरेडी काम पे लग गए हैं और वो सब तोड़ रहे हैं जो पीछे के साइड के है, उन सब से एमओ ख़त्म कर रहे हैं। एमओ ख़त्म करने का, देखो पहले ऑटोकनॉन को एक दो गोली मारनी है, तो ऑटोकनॉन आपको जैसे मारेगी तो आपको नीचे हो जाना है और ऑटोकनॉन सारी गोली रूप को मारेगी। उसी तरह हर बार आपको ऐसे ऐसे करता जाना है और उसी तरह आपकी एमओ ख़त्म होती जाएगी। हर बार में आपकी 20 से 30 30 40 एमओ ऑटोकनॉन की जाएगी, तो उसी तरह वो सारी ख़त्म करनी है। मैं वीडियो को बीच में से थोड़ा कट कर रहा हूँ क्योंकि हमने कम से कम आधा घंटा मेहनत करके सारी एमओ ख़त्म की है, फिर भी अभी काफ़ी एमओ बाकी है। ऊपर वाली ऑटोकनॉन है, ये मेरे को बार बार मार रही थी तो सोचा कि इसकी भी थोड़ी बहुत कम की जाए या ख़त्म की जाए। चलो, हमारे वो जो टीममेट्स है वो भी वहाँ से कर रहे हैं, हमको मैन तो सामने वाले साइड की ऑटो करना है, उन सब की पूरी करनी है। रुको, मैन को आपको करना कुछ नहीं, एक गोली मारनी है, वापस आपको मारेगी तो आपको नीचे झुके जाना है, तो उससे आपको गोली लगेगी नहीं और सामने वाले की एम हो जाती रहेगी। देखो, काफ़ी टाइम से अभी ऑटो करना से एमओ ख़त्म कर ही रहे थे हम, इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो में बताना सही नहीं समझा और वो सब मैंने बीच में से कट किया है। अभी देखो, सामने की तरफ 4-5 ऑटोकॉन लगी है, उसमें से 2 ऑटोकॉन में एमओ ख़त्म हो गई है और जो 2 है वो अभी पड़ी है, तो
उनको भी ख़त्म कर लेते हैं, अभी 2 से 4 मिनट लगेंगे। ऑटोगनॉन डैमेज बहुत दे रही है। सामने वाली है उसको भी कर लेते हैं, क्या पता हमको उस साइड जाना पड़े तो वो हमारे लिए ख़तरा ना बन जाए। अगर आपके टीममेट्स सभी हो तो आपको 15-15 मिनट लगेंगे एक ऑटोकैनन की अमो ख़त्म करने में। देखो तो सामने वाले बंदे ने एक एक ऑटोकैनन में दो 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 तीन तीन चार एमो डाली है। चलो देखो हमने रेड स्टार्ट कर लिया है, हमारे जो टीममेट्स हैं मैं पीछे से बैकअप कवर दे रहा हूँ और आगे से वो अपने रेड कर रहे देखो हैं। उन्होंने आयरन की रूल पे उसको तोड़ी है, चलो हम भी जा कर के थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करते हैं और वहाँ पर अगर कोई एनिमी आ गया तो एनिमी को मारेंगे। देखो हमने पूरा देख लिया है, एनिमी अभी ऑफलाइन है सारे के सारे, अभी ऑनलाइन ना आ जाए। अगर ऑनलाइन आ गए तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है, नहीं तो हम बहुत ही इजीली बेस को रेड कर लेंगे। इतना इजी कि क्या बताऊँ, पूरा एकदम बहुत ही स्मूथली रेड कर लेंगे अगर एनिमी एक भी ऑनलाइन नहीं आए तो। हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं बेस को फास्ट से फास्ट रेड करने के लिए। देखो इस साइड क्या देख लेते हैं, यहाँ पर ऑटो कैनन थी वो सारी उनकी एमओ ख़त्म हो गई है, और इस साइड भी अपने ऑटो कैनन है वो भी हमारे दोस्त है वो अभी ख़त्म कर रहे हैं ऑटो कैनन की एमओ। यहाँ पर ये लूट पड़ी है, पता नहीं कौन डाल के गया है, वो अपनी लूट उठा लेगा कोई बात नहीं। चलो तो अभी हमारे बंदे को बोल रहे हैं कि बॉम्ब वगैरह लगाए, ये रेडी हो गया अपना तो विक्की बम लगा रहा है। चलो मैं पीछे की साइड से थोड़ा बहुत इनको कवर देता हूँ। चलो अभी उन्होंने डोर तोड़ दिया है, वो आगे अभी लगा रहे हैं, डोर पे लगा रहे हैं। मैं मेरी हेल्थ थोड़ी कम है उसको पूरी फुल कर लेता हूँ। चलो हमारा जो टीममेट्स है वो भी बॉम्ब लगा रहे हैं, न्यू प्लेयर ये सब, और वो सभी अभी बॉम्ब लगाना सीख रहे हैं क्योंकि मैं तो 1200-1300 घंटे खेला हूँ तो मैं काफ़ी ये बॉम्ब लगाना वगैरह सीख चुका हूँ, लेकिन जो साथ में है वो अभी नहीं सीखे हैं, एक दो प्लेयर है जो न्यू है। सामने ऑटो कैनन लगी थी वो सब मर रहे थे, कोई बात नहीं अभी मैं अंदर आ चुका हूँ। चलो यहाँ पर अपनी मैं मेरी हेल्थ वगैरह फुल कर लेता हूँ। सामने ऑटो कैनन है, उसने मेरे को काफ़ी डैमेज किया। चलो अभी यहाँ पर सामने बॉम्ब लगा देते हैं जहाँ पर अपनी डबल डोर है। चार सीपर लगा है, चार सीपर से एक स्टील का डोर टूट जाता है। अभी देखो सामने एक ऑटो कैनन है और वो है उस डोर के पीछे की साइड, शायद हमको वो डैमेज नहीं देगी, नहीं दे रही, नहीं दे रही। चलो हमको इसकी एमओ है वो पूरी करनी पड़ेगी, अगर इसकी एमओ हमने ख़त्म नहीं की तो आगे ये परेशानी दे सकती है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसके सामने खड़े रहता हूँ जब तक ये मेरे को मारती रहेगी। देखो ये ऑटो कैनन में पता नहीं कैसा गली है, कोई मेरे को ये मार रही है। भाई मैं 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहूँगा तो इसकी जितनी भी एमओ है वो फालतू में ऐसे मेरे को मार मार के वेस्ट हो जाएगी। चलो ये वाला सही है, अभी मैं वीडियो को थोड़ा बहुत फास्ट कर रहा हूँ पर ये मेरे को मार रही है अभी। कोई बात नहीं माने दो, हमको तो एमओ ही ख़त्म करनी है। अभी इस पर हम लगाएंगे सीपर तो फालतू में अपने 3 सीपर वेस्ट हो गए। उससे अच्छा एमओ ख़त्म कर दो, 5 मिनट लगेगा और 3 सीपर बनाने में हमको कितना फार्म करना पड़ता है उसमें घंटा भर लग जाता है। अभी एनिमी अभी तक कोई ऑनलाइन आया नहीं है। सर तो वीडियो को मैं काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ, अभी वीडियो काफ़ी टाइम से वहाँ पर हमने ऑटो कैनन में एमओ ख़त्म की थी, कर ली पूरी। ये सामने वाली ऑटो कैनन है उससे हमारा एक टीममेट से वो डाउन हो गया था, उसको रिवाइव दे देता हूँ। चलो वो हमारा रमेश है वो वहाँ पर बॉम्ब लगा रहा है, कोई बात नहीं उस रमेश को सीखना है बॉम्ब लगाना, वो लगा रहा है। चलो अभी सीधा सामने टाइटेनियम का आ गया है, कोई बात नहीं हमारे पास अभी सीपर काफ़ी पड़े हैं।
टाइटेनियम का क्या, एक टाइटेनियम के डोर पे अपने सीपर लगते हैं वो 33 लगते हैं, नहीं टाइटेनियम के डोर पे नहीं, टाइटेनियम के वॉल पे 33 लगते हैं, टाइटेनियम के डोर पे तो कम ही लगते हैं अपने 13-14 लगते हैं 14, और टाइटेनियम के वॉल पे ज़्यादा लगते हैं। चलो उन्होंने वहाँ नीचे बॉम्ब लगाना शुरू कर लिया, मैं यहाँ पर ऊपर से देख रहा था कि कहाँ से राइड करना चाहिए, पर उन्होंने नीचे से स्टार्ट कर लिया, कोई बात नहीं। चलो तो अभी मैं नीचे जाऊंगा तो क्या पता उन्होंने बॉम्ब लगाया और मेरा किल हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। क्या हुआ, बॉम्ब नहीं लगाया? हाँ लगा लिया। इसका यहाँ पर ये डोर तो टूट गया है। अच्छा, डोर के सामने इस साइड फर्नेस है और दूसरी साइड डोर टोकन उन्होंने, तो अभी देखो फर्नेस की साइड से राइड करने का कोई मतलब नहीं है। चलो हम ऑटो कैनन है जिस साइड उस साइड से ही रेड करना स्टार्ट करते हैं, पहले हमको ऑटो कैनन की एमओ है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, बाद में ही रेड स्टार्ट होगा अपना। चलो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से इसके अंदर जा करके ऑटो कैनन की एमओ पूरे करने की, क्या पता है एमओ यहाँ से ग्लिच हो जाए और 2 मिनट में एमओ ख़त्म हो जाए, नहीं तो एमओ ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अरे ये क्या, ये ऑटो कैनन भाई अपने रूप के आर पार मार रही है, ये ऑटो के नान का ही ग्लिच हो गया भाई, उसी वजह से मेरे को मार दिया। कोई बात नहीं, ये लूट वापस आकर के अपना इजीली ले लेंगे। चलो वो तो कोई बात नहीं, अभी वापस स्पॉन होता हूँ, आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर पहले वो बाहर लूट पड़ी देखी थी, किसी बंदे ने उठाई नहीं है, पता नहीं भाई ऐसे लूट फेंके जा रहे हैं, कोई बंदा किल हुआ था उसने यहीं पर छोड़ दी। चलो मैं ये लूट उठा लेता हूँ, मेरी लूट अंदर ही पड़ी है, वो हमारा बंदा है उसने उठा ली होगी शायद, नहीं तो मैं जाके और ले लेता हूँ अभी। तो देखो हमने इतना पता लगा लिया कि सामने वाले जो डोर है वो 3 डोर है, मतलब 3 वॉल है, सामने वाली वॉल है। मुझे को ऑटो कैनन की एमओ तो ख़त्म हो गई है, काफ़ी टाइम तक यहाँ पर हमने एमओ ख़त्म की, बाद में ख़त्म हुई। देखो तो अभी जो ये मैं वॉल ग्लिच करके देख रहा हूँ, ये यहाँ पर 3 वॉल है, तो सबसे पहले एक स्टील की थी और स्टील के बाद टाइटेनियम की है, मेरे हिसाब से 3 वॉल है, अभी आगे रेड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी है। तो सबसे बाहर की साइड है वो एक स्टील की है और उसके अंदर टाइटेनियम है। चलो वो विक्की अपना बॉम्ब लगा रहा है, अभी पता चल जाएगा। ये कौन है? अच्छा ये हमारे बंदा एक बार आया। देखो हमारा लीजन ऑलरेडी इतना फुल है कि अभी जो हमारे साथ खेल रहे हैं बंदे वो भी बिना लीजन के खेल रहे हैं हमारे साथ। ये बेचारा किल हो गया, कोई बात नहीं। काफ़ी आधे से ज़्यादा डैमेज हो चुका है, कोई बात नहीं, अपने बंदे बॉम्ब बहुत है, अभी लगा लेंगे और इसको रेड फाइनल कर लेंगे। चलो इसको पूरा वो बॉम्ब लगा रहा है अपना विक्की, अभी तक बंदे वगैरह कोई ऑनलाइन आए नहीं है तो कोई डर की बात नहीं है। यहाँ पर पहले एक अपनी स्टील की वॉल थी वो पहले तोड़ दी थी जब मेरा किल हुआ था, अभी देखो सामने टाइटेनियम की है, उसको भी आधे से ज़्यादा डैमेज कर दिया है हमारे बंदा ने। शायद इससे आगे भी कुछ वॉल वगैरह होगी, इसके आगे सीधा डायरेक्ट लूट है, तो अभी सीधा स्टोरेज बॉक्स का पासवर्ड लगाने के लिए आ रहा है। चलो हमारा एक टीममेट से है अपना न्यू प्लेयर ही है, वो गया बॉम्ब लगाने, हम सब कॉल पे थे, अब सबको बता रहे थे कि कौन से बंदे को कितना बॉम्ब लगाना है यहाँ पर, क्योंकि सभी ने फार्म किया तो सबको लगाना चाहिए, और जो न्यू प्लेयर है उसको तो विशेषकर सबसे ज़्यादा लगाना चाहिए क्योंकि उसी को सीखना है सबको,
गेम सीखना चाहिए बहुत ही, बिना बम लगाए कौन कैसे सीखेगा बंदा गेम खेलना, और कैसे पता चलेगा कहाँ पर कितना बम लगाना है। चलो मैं पीछे की साइड देख लेता हूँ कोई बंदा आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे बंदे सभी आगे इकट्ठा हुए हैं। अभी थोड़े बहुत लगेगा यहाँ पर, और सी पर लगेंगे। मेरे पास फालतू लूट था वो ड्रॉप कर लिया। चलो अपना विक्की बॉम्ब लगा रहा है। वो तो टूट गया। देखो अभी एक और टाइटेनियम की वॉल आई है। देखो सबसे पहले स्टील की आई, बाद में टाइटेनियम की आई, और एक और फिर से एक बार टाइटेनियम की आई है। कोई बात नहीं, अभी इसको भी रेड कर लेंगे। इसके बाद में एक और टाइटेनियम की आ गई तो फिर परेशानी हो सकती है, नहीं तो इसको तो हम इजीली रेड कर लेंगे इस टाइटेनियम की वॉल को। चलो हमारा बंदा यहाँ पर विक्की है, वो बॉम्ब लगा रहा है यहाँ पर। आप वॉल पे है ना 33 सीपो लगेंगे। अगर आपके पास साइक्लो लाइट है तो आपके वो शायद 13-14 में हो जाएगा काम। यहाँ पर स्टील का बेसल था वो टूट गया, क्योंकि ऊपर हमने काफ़ी बॉम्ब लगाए उसकी वजह से नीचे वाला ये भी डैमेज हुआ, और उसी के साथ ये भी साथ में टूट गया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अभी देखता हूँ निकल जाओ तो अच्छा है। चलो ट्राई करते हैं निकलते हैं, अच्छा नहीं तो हम ग्लैडर का यूज करके निकल जाएंगे यहाँ से बहुत इजीली। देखो आप रेड करने जाओ तो साथ में ना अपना जो सीढ़ी होती ना लाइडर, वो आप साथ में लेकर जाया करो। देखो हमने भी यहाँ पर गलती की, हमें आप लाइडर साथ में नहीं लेकर आए, तो आप भी साथ में लाइडर लेके जाना। आगे से रेड करने जाओ तो एक दो साथ में लेके जाना, क्योंकि तो लाइडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमेशा। मैं तो निकल गया वहाँ से अपना ग्लाइडर लगा के, बट दूसरे वाले बंदे हैं उनको निकलने में काफ़ी परेशानी हो सकती है जिनके पास ग्लाइडर नहीं है। चलो अपना यहाँ पर विक्की पैदा है। अच्छा मेरी सारी लूट विक्की ने उठा ली। मैं यहाँ से गया था, बाद में वापस आया तो यहाँ पर मेरा किल हो गया था। मैं ऊपर से जैसे नीचे गिरा था यहाँ से ऑटो गन ने सामने से किल कर दिया था। मेरी लूट विक्की के पास है और विक्की मेरे को दे रहा है। अभी देखो हम बेस की जो लूट है मैन लूट उनके पास आ चुके हैं। ये सामने वाले टाइटन की वॉल है वो भी तोड़ दी थी। अभी देखो सामने मैन लूट पे आ चुके हैं, और सामने लूट है और सामने की तरफ जस्ट ऑटो कैनन है, और हमारे पास सीपोर है वो सारे के सारे एकदम ख़त्म हो चुके हैं। अभी थोड़े बहुत भी सीपोर नहीं है, दो चार सीपोर है, दो सीपोर है, दो थोड़ी ना कोई टूटेगा। चलो गई, जब मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट 6 में, और इस वाले वीडियो में अब इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट 6 में इस बेस को पूरा रेड करेंगे, और इसका जो कैबिनेट है उसको भी पूरा रेड करके फाइनल कर देंगे। चलो गई, बाय।